के लिए बैंक फंडिंग करता है, ये हम लोग को बैंक से सिलेक्ट करना होता है। फिर जिस दिन से प्रयासन शिक्षा योजना है उसमें दो कैटेगरी का है, एक डिप्लोमा के लिए एक डिग्री के लिए। डिप्लोमा में 100% आपका अकोमोडेशन और अकेडमिक डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करता है। उसके बाद में डिग्री वाला में इसमें 100% अकेडमिक फी को डिपार्टमेंट स्पॉन्सर करते हैं। इसका सिलेक्शन जो है आपका मार्क्स का 12th मार्क्स का एग्जाम का सिलेक्शन किया। फिर अभी हमारा यहाँ पे देखो अपना प्रवेश चल रहा है। ये जो रिसर्च स्टार्ट हुआ था कोरोना के समय में जब सब ट्रैवलिंग बंद हो गया था, तो विदिन हमारा अरुणाचल इतना बड़ा है इसीलिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट को एक दूसरा को एक्सपोजर तो दिया था, स्पेशली फॉर स्टेक होल्डर्स लाइक आपका टूर ऑपरेटर है, होम स्टे है, जो भी टूरिज्म से रिलेटेड है, उन लोगों को ये इंटर स्टेट में विदिन अरुणाचल में एक्सपोजर तो डिपार्टमेंट 100% अकोमोडेशन ट्रैवलिंग पूरा डिपार्टमेंट स्पॉन्सर है ये जो। उसके बाद में तो वो उसका सक्सेस का बिजनेस है। नेक्स्ट हमने शुरू किया है देखो अपना देश, तो विद इन इंडिया में फिर वो स्टेक होल्डर को एक्सपोजर तो भेजता है। अभी ना रिसेंटली केरला भेजा, लद्दाख भेजा एंड सिक्किम भेजा है नेपाल। देन और एक है हमारा एक भारत ना, तो ये है नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करने की, ये भी आपका कल्चरल एक्सचेंज जैसा है इवेंट्स है। तो ये अभी अरुणाचल का साथ में इन्वॉल्व किया हुआ है यूपी और मेघालय, यूपी मेघालय अरुणाचल। तो कोई भी प्लेटफॉर्म होता है इवेंट में ये तीनों स्टेट जो एक्सचेंज करते, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट डे में उन लोगों को बुला के परफॉर्म करने दिया और हम लोग यहाँ से भी उन लोगों को भेजता है, आर्टिशियंस जाता है, फिर आपका कल्चरल ट्रूप्स होता है वो लोग को एक्सचेंज करते, डिपार्टमेंट उन लोगों को कर देते हैं। देन प्रमोशन का तो हम लोग फिर अभी IGM में जाता है, IGM में सारा फेयर कॉन्फ्रेंस में अटेंड करता है। तो फिर आई होप एवरीबॉडी इज फॉलोइंग, ज्यादा पास हो रही है। तो हमारा जो अरुणाचल है इट्स अ वेरी बिग, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है लैंडस्केप, तो इसलिए इसको सर्किट में डिवाइड किया हुआ है। तो पहले हमारा 12 सर्किट था, 12 में से अभी दो नया सर्किट ऐड हुआ है, तिरा ग्राउंडिंग वाला और एक वो जो और। तो अरुणाचल का अभी 14 सर्किट में भाग करके अब हमारा ये है टूरिज्म का ना मेरे में। तो हम लोग तो ईटानगर वाला जो है 3rd नंबर सर्किट में आता है, ईटानगर जीरो दापोरिजो अलो पक्षीघाट, ये हम लोग 3rd सर्किट में आ रहे हैं। ये नया वाला 13 एंड 14 जो नया ऐड किया वाला सर्किट है, पहले 12 था अभी 14 सर्किट। देन जो हमारा जो एग्जिस्टिंग, क्योंकि ये ईटानगर तो पहले से अलग से ना टूरिज्म में नहीं दिखा था ना, तो पहले रूरल यूपिया वाला दिखो ही देख रहा था, तो सारा रूरल अर्बन साथ में वही हो रहा था। तो अभी हम लोग क्या है कि ईटानगर में अभी हम लोग अलग से, जब मेरा यहाँ पोस्टिंग हो गया तो हमको अलग से यहाँ का इंचार्ज देख इंडिपेंडेंटली देखो करके ना, तो हमने देखा कि हमारा ईटानगर IGR के अंदर में एग्जिस्टिंग जो है एसेट है, तो वो हमने थोड़ा घूम के देखा है। फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसलिए आप लोग को ये फोटो दिया जो एग्जिस्टिंग है के अलावा नया दैट इज अगेन दैट विल बी एड ऑन, बट दैट एग्जिस्टिंग व्हाट वी हैव गॉट ये वाला जो एकर सिंह है एक, देन वी हैव बायोलॉजिकल पार्क, आप लोग भी देखिए कि इसमें और क्या क्या कर सकता है ना, वही इसीलिए क्योंकि टूरिस्ट जो आता है मेनली तो पहले यही है ना। देन वी हैव सापोर जे नेहरू स्टेट म्यूजियम पार्क, तो वो है हमारा एग्जिस्टिंग। फिर इसके बाद में ईटानगर एज एन टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो प्लस पॉइंट है हमारा ना, हमारा प्लस पॉइंट क्या है, हमारा यहाँ पे जैसे कि लोगों को एक डेस्टिनेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बट देन पीपल नीड अकोमोडेशन ना, कि वहाँ पे जाके उनको पहुँचना है तो रहना है वहाँ पे ना, तो रहने के लिए ज्यादा दिक्कत होती है। जगह बहुत सुंदर होता है, पीपल वॉन्ट्स टू गो देयर बट देन दे डोंट हैव यू नो रजिस्टर्ड अकोमोडेशन फैसिलिटीज। लेकिन हमारे यहाँ प्लस पॉइंट किया ईटानगर में वी हैव ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होम स्टेज हियर ना, देन वी हैव होटल्स टूर ऑपरेटर अवेलेबल है यहाँ पे ना, तो लोगों को यहाँ पे आने के लिए रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा ये है प्लस पॉइंट किया युवा टूरिज्म क्लब, ये स्टूडेंट्स लोग को ये MOT वाला सर बताएगा, तो स्टूडेंट्स लोग को MOT का तरफ से इन लोगों को रजिस्टर किया है जो भी टूरिज्म रिलेटेड, तो हमारे लिए तो दिस इज अगेन ए प्लस पॉइंट, क्योंकि कोई भी डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए बाहर से रिसोर्स पर्सन बुलाने के लिए भी एक दिक्कत हो जाता है, आना जाना फिर अकोमोडेशन का प्रॉब्लम। लेकिन हमारा ऑलरेडी ये आपका इंस्टीट्यूट है जो
टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड कोई भी आपका ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जो आईटी पार्क में है। देन प्रॉब्लम जो है अभी करेंगे हमारे जब हमारे लेवल का गाड़ी नहीं है दौड़ भाग का, फिर स्टाफ तो नहीं है बिल्कुल, अभी हम अकेला ही है। बाई द ग्रेस ऑफ सर्विसेज सर सर तो काइंड एनफ टू गिव मी एन ड्राइवर एंड असाइन मी प्योर एंड दिस थिंग, अदरवाइज डिपार्टमेंट का अभी अकेला है। देन यहाँ पे जो है जो यहाँ पे आईसीआर का जो प्रॉब्लम आपको देख रहा है उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है ना, ब्रोशर टेबल ना ये वो सारा। देन आपका यहाँ पे फंडिंग तो नहीं है ना अभी तक, अलग से पहले से नहीं था तो ना तो वो एक तो हमने जो सीन लाइक अभी सितंबर को आया है, अभी दिसंबर तो हमने जो देखा है यहाँ पे क्या है मेरे ख्याल से और आगे हम क्या कर सकता है दिस इज आपका मैनेजर। तो यहाँ पे एक डेस्टिनेशन का जरूरी है क्योंकि टूरिस्ट जो आएगा उसको एंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सिर्फ आएगा चला जाएगा ना, बिकॉज यू डोंट हैव एंगेज करने के लिए कहीं पे उसको ना फंसा के रखने के लिए, जितना लॉन्ग उन लोगों का स्टे होगा उतना हमारे लिए फायदा होता है। तो वो लॉन्गर लॉन्जिटिविटी उन लोगों का जो स्टेइंग को लॉन्ग करने के लिए हम लोग को नया कुछ आपका एक्टिविटीज में एंगेज करना पड़ेगा, उसके लिए ये सारा मेरे को लगता है कि ट्रैकिंग रूट्स एंगलिंग स्पोर्ट्स इसको आइडेंटिफाई ना तो अच्छा से वो करके कर सकते हैं। देन एक प्रमोशन भी रील्स ना, क्योंकि आज सब शॉर्ट शॉर्ट रील्स होते हैं ना आपका डिजिटल सोशल मीडिया में डालने के लिए हम लोग डिपार्टमेंट ये कर सकते हैं, छोटा छोटा रील्स यहाँ का टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेस क्या क्या है वो एक रील्स कर सकते हैं। देन वी कैन मेक प्रमोट ना यहाँ का आईसीआर स्पेशली फॉर के लिए ही से, तो इसमें हम लोग फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज खोल के हम लोग अपना प्रमोशन कर सकते हैं स्पेशली फॉर आईसीआर ना। उसके बाद में करियर काउंसलिंग जो DMPSY को स्कूल स्कूल में जहाँ जहाँ में इतना आइडिया नहीं है उसको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आईसीआर में बहुत सारे स्कूल्स है बट देन उनको इतना शायद आइडिया नहीं क्योंकि DMPSY में तो आपका डिप्लोमा में तो 100% आपका अकोमोडेशन और हॉस्टल फी एंड अकेडमिक भी फ्री है, तो उसको बहुत सारा बच्चा लोग को नहीं पता है तो लेकिन उसको ले सकता है बेनिफिट ना। देन स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप कर सकते हैं हम लोग ना कुछ कुछ यहाँ पे। उसके बाद में टूरिस्ट पोर्टेबल किसी को घुमाने के लिए दिया था जो ना, तो उसमें वही देखा है तो कुछ कुछ जगह में वो बोर्ड्स तो नाम हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको हम अच्छा से ना थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री जैसे लिख के थोड़ा उसको अच्छा से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद सर ये एक होता है हमारा टूरिस्ट पुलिस फोर्स होता है ना, तो वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे शायद नहीं है, तो वो ये DSP के अंदर में जनरली स्पेशली जो टूरिस्ट इंटरेस्ट प्लेस जिसको वहाँ जिसको जहाँ क्रॉसिंग करेगा तो उनको वो तो हाउ टू हैंडल देम एंड हेल्प देम एंड तो वो एक कर सकते हैं। देन यहाँ पे एक गाइड ना गाइड ट्रेनिंग हम लोग करा सकते हैं यहाँ पे स्पेशली फॉर ये आईसीआर के लिए ना, कुछ नंबर्स एक दो तीन चार लगता है लड़की ना तो गाइड ट्रेनिंग करा के जो क्योंकि बहुत लोग आता है बस ऐसे एक राउंड मारेगा निकल जाएगा, तो लेकिन उनको जैसे हमने नीचे बाद में देखा हेरिटेज बोर्ड से ईटानगर का या कर सकने का इतना अच्छा स्टोरी है हम लोग का ना, तो उन लोग को थोड़ा अच्छा से ट्रेन करने के बाद में तो ये लोग लेके आपका वो वॉक भी हो जाएगा तो ट्रेनिंग आपका उनका स्टोरी टेलिंग भी हो जाएगा ना, तो वो हम लोग कर सकते हैं। देन एक मल्टी ट्रैवल कम्युनिटी सोविनियर सेंटर ना, तो यहाँ पे लोग जो भी टूरिस्ट जैसे हम लोग भी कभी बाहर जाने से तो वी वॉन्ट टू टेक समथिंग विद अस होम मेमोरी ना, तो लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पे हमने जब देखा तो एक जगह में नहीं तो पूरा घूमना होता है ना, तो अगर एक ही जगह में सब कुछ मिल जाए जिसमें भी उन लोगों को ले जाने के लिए ना हर एक ट्राइब का एक सेंट्रलाइज सेक्टर छोटा सा होने से भी मार्केट जैसे ना, तो होने से इट्स वेरी वेरी इजी, तो कोई भी आएगा वहाँ जाएगा घूमेगा फिरेगा देखेगा फिर लेके जाएगा सब, क्योंकि जो भी ईटानगर है सोविनियर तो लेके जाना ही चाहता है, तो अभी नहीं होने से ऐसा है पर स्कैटर्ड है तो इतना आइडिया नहीं होती तो इट्स वन एरिया वेयर वी कैन गो अहेड। उसके बाद अभी यहाँ आने के बाद में हमने क्या किया तो हमने मिलकर होम स्टे कमिटी फोन किया, उसके बाद उसने हम लोग होम स्टे इंस्पेक्शन भी करा था दो दिन टू रजिस्टर के लिए, तो फिर एग्जिस्टिंग टूरिज्म जो आईसीआर का है उसको हमने विजिट किया है, फिर उसका एडीएस जो हमारा अरुणाचल टूरिज्म सोसाइटी हर एक डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म करना होता है, ये पहले फॉर्म लेना तो ये फॉर्म करा दिया। थैंक यू कुछ होने से किया ठीक है कुछ होने से आप लोग को लेके
ये हम लोग का जो मैडम, हम लोग कुछ कुछ ये जैसे कि बना के दिया हुआ है ना, वो आपका पास है? अभी ये वाला नहीं, उसको छोड़ के, ओ हाँ रुको, ये आज का जो मीटिंग है हम लोग के लिए टूरिज्म का सेक्टर में पर्स मीटिंग है। हम लोग का जो पूल प्लेस डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर पहले नहीं था, इसलिए मीटिंग कभी हम लोग कंडक्ट किया भी होगा लेकिन इस ढंग से नहीं करे किया है कि हम लोग एक टारगेट को लेके, हम जब से आया है तब से देख रहा है कि यहाँ जो भी वीआईपी आता है हम लोग घुमाने का जगह नहीं होता है। वो एक गुम्बा मंदिर है और एक नेहरू स्टेडियम ना, और स्टेडियम दोनों कोई सिर्फ दिखाएगा उसके बाद उन लोग को डिस्पर्स कर देता है। तो सरकार लेवल में भी काफी दिनों से कोशिश है कि जो ईटानगर का जो विजिटर्स है उन लोगों के लिए कोई बनाया है तो उसको इम्प्रूव करना है, नहीं तो नया बनाने के लिए कोई प्रपोजल आना चाहिए। तो पिछले 2-3 सप्ताह से जब से ये डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर यहाँ आया बन गया है तब से हम दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि आप सभी को एक दिन बुला के बात करेगा और आप लोग से फीडबैक लेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ का है और यहाँ बहुत दिनों से रहने वाला है, आप लोगों का भी कुछ ऐसे कोई सोच विचार होगा। तो 1-2 साल से हम लोग कोशिश कर रहा है कि हमारा जो डीसी का जो वेबसाइट है वहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन हम लोग डालना है बोल के वहाँ डाल के देखा है, जैसे होटल है और जो अभी मैडम ने जो दिखाया है कुछ कुछ स्पॉट जो है जहाँ लोग जाके टूरिस्ट लोग टाइम कटा सकता है, उसको हम लोगों ने एड्रेस एड्रेस सब डाल दिया है को जो भी छूटा था। लेकिन अभी हम लोग आज का दिन में यही हम लोग आप लोग का सजेशन लेने के लिए कि जो एग्जिस्टिंग जो स्पोर्ट है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और नया स्पोर्ट हम लोग कैसे ढूंढ के निकाल के प्रपोजल सरकार को भेज के अल्टीमेटली हमको फंड जरूरत होगा तो फंड लेके हम लोग कैसे काम करेगा, इसी को ही लेके ये मीटिंग खास करके रखा है। और ऑफिसर लोग से ले लेगा फिर, या होम स्टे का एक मैडम भी आया हुआ है और एक कोई और भी आया होगा ऑफिसर लोग को छोड़ के। तो आज इस मीटिंग में जैसे कि अभी जो हमारा जू है, जू का बारे में भी बात हुआ नहीं है ना आपका यहाँ पे, जू में भी तो लोग जाके घूम सकता है, हमारा डोमेस्टिक जो टूरिस्ट बोलेगा ना क्या बोलेगा जो डिस्ट्रिक्ट से जो आता है वो तो हाँ, वो लोग तो जाएगा देखने आ जाता है। तो लेकिन इसको हम जिस ढंग से एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए लोगों को वो हम लोग नहीं दे पा रहा होगा। तो पान तो बात का बात है, पान का बारे में हम लोग भी जिक्र करेगा, वो हम लोग का काम है पान कैसे लेके आना नहीं आना और डीटीओ हम लोग देखेगा। लेकिन आप लोग का नजर में कोई ऐसे अभी हम जैसे बोला है इम्प्रूव करना है नया डेवलप करना है तो उसको आप लोग आज सजेस्ट करके देखिए, तो समय आपको ही दे देता है आप लोगों को, आप लोग अपना अपना से पार्टिसिपेट, ये कम मेंबर्स में बहुत अच्छा होता है, पूरा समय ले लेता है, दूसरा लोग ओपोजिशन लीडर हो जाता है गाली पे गाली देता है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग हमेशा देखना है कि हम फिजिकली या मेंटली हम कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है, हम लोग यहाँ में
एग्जाम पास करने के लिए नहीं आया कि हम सबसे अच्छा कैसे बोलेगा, ऐसे नहीं है। वॉलंटरीली बात करो ना, मन से बात करो। हम भी कहीं भी जाता है, हम तो कभी भी स्पीच प्रिपेयर करके नहीं जाता, इसलिए बहुत गाली भी कहता है। तो मन में जो आता है वही बात करना है, प्रिपेयर करके बात नहीं करना है। तो सबसे पहले ये डीएफओ साहब ही शुरू करने से ठीक है, लास्ट में आने वाला पार्ट शुरू करने से अच्छा है, क्योंकि वो यहाँ का लोकल इंडिजिनस आदमी है, उनको पता है कौन से पहाड़, कौन से नदी, कौन से नाला में है हम लोग टूरिज्म को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपना टूरिज्म का जो एक यहाँ पर रोड मैप और एक हम लोग का अपना मैप प्लान होना चाहिए। तो डीएफओ साहब से शुरू करके लाइन बाय लाइन यहाँ आइए अपना अपना। Thank you, sir. My name is Tanaka Poo, the Eco Social Forestry Division, as well the Eco Bandura. मैं भी दो डिवीजन को देखभाल कर रहा हूँ that time being. And as I have been advised to explain about the tourism potentialities in Kanaga, I think this is the time to prioritize the tourism potentiality in Itanagar, because Itanagar being the capital of Arunachal Pradesh and one of the important place, so to say, being the border capital of the international, that is with China especially. So I think development of industry, what we say, tourism industry in Itanagar is most essential. Till today, what I have seen in Itanagar, other than this Itar Port and the museum, Itar Port, it is a dilapidated one. We had tried many times to develop the Itar Port into a green park, but our approach was turned down many a times. So I think the Art and Culture Department is maintaining the Itar Port, I think. रिसर्च रिसर्च और अभी पूरा इतना सुंदर से बना दिया सर, वो रिसर्च का भी मेंबर था लेकिन वो नहीं आया। बहुत सुंदर से बना दिया, अभी मेरा घर का ऊपर है तो हम बहुत हमने वो मास क्या बोलते हैं मास भी लगा दिया रात को भी, वो पूरा बहुत सुंदर हो गया। एक दिन आप लोग विजिट कीजिए और इसको ना थोड़ा वो हमारे पास अपना ड्रोन है, वो ड्रोन से सुंदर से बना और उसमें मैडम थोड़ा से उसमें कुछ बात लगाओ ना, सर जो बोला है वो चीज़ ये इता पोर्ट का बारे में कुछ बोल के बनाओ उसको, फिर हम लोग सोशल मीडिया में डाल देगा। हाँ, इसमें इता पोर्ट के लिए आई थिंक इसका एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि इता पोर्ट हम लोग कभी कभी सोशल मीडिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता है इता पोर्ट के बारे में मेंशन। उसमें थोड़ा हाईलाइट करना है मैडम, आप कुछ जब अगर नया फर्स्ट अगर इसी टूरिज्म ऑफिसर एज्यूम किए हैं तो आप इसमें फर्स्ट फोकस कीजिए, क्योंकि इटानगर इटसेल्फ इज द नेम फॉर इटा फोर्ट। इटानगर ऐसे नहीं बना है, पहले इटानगर का नाम था जिसमें इटा जोको, जोको का मतलब पहाड़, इटा का पहाड़ है, इसलिए इसका नाम है बाद में जाकर इटानगर हुआ है। आई थिंक यू शुड फोकस इट फर्स्ट, इस इटानगर किस लिए बन गया इसको आप फोकस करके उसको थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट में डाल के उसको आगे बढ़ाने से ठीक है। देन सेकेंड थिंग इज म्यूजियम इज देयर, म्यूजियम को तो हर कोई विजिट करवाता है, बट इसमें मैं अब और एड करके बताऊंगा कि हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक फॉरेस्ट म्यूजियम बना रहे हैं, आफ्टर कंप्लीशन इट विल ऑल्सो एड टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट, टूरिस्ट अट्रैक्शन का हब होगा, क्योंकि हम इसको आईजी पार्क में बनाने के लिए कोशिश किया था बट बहुत लोगों ने उसका अपोज किया। हैड इट बीन कंस्ट्रक्टेड इन इटानगर एट आईजी पार्क, इट वुड हैव बीन व्हाट कॉल्ड इट सेंट्रल प्लेस फॉर द विजिट ऑफ द टूरिज्म, टूरिज्म पर्पस के लिए बहुत अच्छा था, और ये आपका जो एजुकेशन के लिए डिफोरेस्टेशन करेंगे तो वन डे दिस गंगा लेक विल ड्राई अप, देन द लेक का नाम ही दे जाएगा,
गोंगा करो हो जाएगा इसलिए उसको मैंने इको टूरिज्म के उसमें हॉटस्पॉट्स में आपको एक बना के उसको आप टूरिज्म डिपार्टमेंट भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको। इसके लिए शायद अभी पीडब्ल्यूडी ने कुछ स्कीम बना रहे हैं कोई तो कोलैबोरेशन कर रहे डिपार्टमेंट तो उसको वाइल्ड लाइफ डिवीजन देख रहे हैं वाइल्ड लाइफ ब्रांच तब अगर गंगा लेक और उसमें जो आपका पोमा की तरफ अगर उसमें हम लोग का बेम्बू डेवलपमेंट एजेंसी है उसमें उसमें काम कर रहे हैं बेम्बू आपका जो इंडस्ट्री उसको भी आप साथ में क्लब अप कर सकते हैं बेम्बू इंडस्ट्री है गंगा मथुरा जोते में वो भी एक टूरिज्म हॉटस्पॉट बन सकता है क्योंकि उस तरफ जाते जाते NIT सब सब आ गया तो स्पेशली मैं फॉरेस्ट में बेच करके बोल रहा हूँ तो गंगा लेक लेके उसके बाद आप उसको जो बेम्बू इंडस्ट्रीज को बेम्बू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर में है बेम्बू इंडस्ट्रीज एंड ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे है वो भी आप एक स्पॉट ले सकते हैं। तो यही है मेरा एक सजेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक छोटा सा जिस्ट उसको आप बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कॉन्टेक्ट करके उसको एलैबोरेटली ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टूरिज्म के कॉन्टेक्स में तो ज्यादा बोलने का तो नहीं है सर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी अवेलेबल आप जैसे एयरपोर्ट है म्यूजियम है जू वगैरह को भी हम ये कर सकते हैं तो इम्प्रोवाइज जो एग्जिस्टिंग एसेट के उसको और मेंटेन करके और इम्प्रोवाइज करना है सो दैट थोड़ी सी इम्प्रोवाइज ज़्यादा हो। और एक सर जो अभी और एक एड ऑन करना चाहूँगा सर एक बाकी जगह में हर जगह एक व्यू पॉइंट एक होता है सर ना सिटीज को देखने का वो एक सर एक्सप्लोर कर ले से ठीक है जगह देख के वो एक ऐड करके उसको भी डेवलप करके ये व्यू पॉइंट के लिए ना अभी मैदान हम लोग अभी ये दरिया ही है ना हाँ तो ये हाँ नहीं आप लोग हम तो दो बार गया है आप लोग भी कभी कभी जाके देखिए वहाँ जो दरिया हिल का जो टेम्परेचर है ना जीरो का जो टेम्परेचर है आप उसको मिलता है और पूरा वेजिटेशन इतना अच्छा है तो वहाँ में हम कमिश्नर टू CM और प्लानिंग डिपार्टमेंट उन लोगों को टूरिज्म डिपार्टमेंट दोनों को हम लोग लेके गया हुआ है जाके वहाँ के लिए हम लोग लास्ट ईयर में हम लोग कोशिश किया था एक वहाँ इको टूरिज्म एरिया डेवलप करेगा उसमें उस प्लस अभी जो एडवेंचर का भी हो सकता है यहाँ से ट्रेकिंग करके फिर वहाँ एक जगह वो रास्ता जो है बहुत रोड जो है वो आपको वो भी एक गाड़ी मोटरसाइकिल और गाड़ी लोग का भी और रेसिंग भी कर सकता है कार रेसिंग भी वहाँ कर सकता है बहुत कुछ है। फिर ऊपर में आप लोग अभी नीचे से दिखाई देगा रात को वहाँ में सोलर लाइट 3-4 जगह में लगाया हुआ है तो वहाँ में 5 तो पॉइंट है व्यू पॉइंट खास करके 3 जो है पूरा आसाम पूरा दिखाई देता है ईटानगर को इतना सुंदर से दिखाई देता है। तो ये बार मैडम एक प्रपोजल हाँ हाँ तो अभी वो प्रपोजल भेजा है और वहाँ का जो जमीन मालिक लोकल यहाँ का पुरम बस्ती का जो मालिक लोग है जमीन मालिक लोग से बात हो गया है और जो टूरिज्म के लिए जो जमीन चाहिए वो लोग हम लोग को दे देगा क्योंकि मेन चीज़ है जमीन ना और प्लस उन लोग अपना होम स्टे बनाएगा कुछ ऐसे कल्चरल इवेंट्स वगैरह कहीं कहीं उधर करेगा जो बाहर जैसे एयरपोर्ट से आदमी आया अगर हम लोग अच्छा से गाइड किया तो उधर लेके जाएगा वहाँ एक दो रात स्टे करेगा वहाँ गाना बजाओ कुछ भी बजाओ हाँ कोई डिस्टर्ब नहीं है पब्लिक को यहाँ तो अभी हम शहर आए 10 बजे का बाद में 12 बजे 10 बजे में जैसे अभी वो रेड करता है आपका हमारा जो DJ नाइट वगैरह को यहाँ भी रेड होगा दिल्ली वगैरह में तो CM लोग प्रोग्राम बनाने से भी अगर 10 बजे पार हो गया तो पुलिस आके उसको तो बंद कर देता है ये भी यहाँ भी हो जाएगा। तो इसलिए लोगों को अगर एंजॉय करना है
तो वो बाहर में जाओ, हाँ तो यहाँ हमारा बहुत एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, लोग जो है लेके जाएगा उधर, ये करेगा और काफ़ी, तो वो है दरिया। और एक ये जो आपको गंगा बस्ती का पहाड़ ऊपर है ना, इसको भी वो बस्ती वाला लोग हमको रिक्वेस्ट कर रहा है, उसको भी ऐसे बनाने के लिए प्रपोजल वो लोग भी दिया हुआ है। तो अभी आप जो बोला है वो तो अभी प्रपोजल तो अभी हम लोग बना रहा है, वो हो जाएगा। और भी कुछ नया और आइडिया होने से आप लोग पूरा एक्सप्लोर कीजिए। नॉट आप ऐसे यूडी का मतलब नहीं है, यूडी का मतलब नहीं है, या प्लानिंग का या फॉरेस्ट का मतलब नहीं है। ओवरऑल हम लोग अपना एक अपना अपना जो मन में आता है ना बता देने से, उसको फिर हम लोग फिर उसको ऊपर में फिर एग्जामिन करेगा, रिसर्च करेगा, फिर बेस्ट को लेके सरकार को हम लोग बात करेगा। डीपीओ साहब आप बताइए, आप तो इतना सीनियर आदमी है, बहुत आइडिया होना चाहिए आपका पास। लेकिन सही में अभी सर हम अभी टूरिज्म का बात बोलेगा तो जैसा कि सर रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंट होता है, जैसा कि माइनिंग हो गया, फॉरेस्ट हो गया, हाइड्रो हो गया ना सर ना, एंड इलेक्ट्रिकल हो गया, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट को भी अगर अच्छा से जैसा कि अभी हम अच्छा से ये मतलब क्या बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो गया, इफ मोबिलाइज प्रॉपरली, इफ यू नो एक्सप्लॉइट प्रॉपरली, वी कैन जनरेट रेवेन्यू, लॉट्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑल्सो। बट फॉर दैट आई थिंक देयर रिक्वायर्स डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट ऑल्सो ना सर। इसलिए जैसा इको टूरिज्म, एडवेंचरस टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म कहते बहुत है कि उसी से भी हमें बहुत ऐसा करके लेकिन हम उसका ले तो सर बेटर नॉलेज है। तो उसके बाद अभी सर कहाँ तक बोलता है टूरिज्म जो हम लोग का सर ऐसा कभी एक ओपिनियन देखता है हम लोग का ये तनी ग्रुप जगह में ये टूरिज्म को हम इतना तक चलो है ये क्योंकि तनी ग्रुप का मेंटेलिटी तो अलग है। टूरिस्ट ये टूरिस्ट जगह में तो सर टूरिस्ट ये होते हैं तवांग गोम जरा साइड में वो एक सड़क में एक हरिन घूमते घूमो उसको मारेगा नहीं, दे आर नॉन वायलेंस। बट हम लोग तैनी ग्रुप में एक थोड़ा और सर कोबरा घूमो तो वो घूमो तो उसको काट के खा दे तो उधर में कैसा टूरिज्म ना हम तैनी ग्रुप का जगह होता है। लेकिन अब तवांग घूम जगह में जाओ, अब हरिन घूमो क्या आपका जल समय में सात घूमो मारेगा नहीं ऐसा कहते इतना हम लोग कष्ट होता है ना। इसलिए मतलब टूरिज्म होता है और उसी में आपका जैसा कि हुआ था मतलब जैसे कि गंगा लेक जैसा ना सर ना जैसे एक हिस्टोरिकल प्लेस होना है टूरिज्म जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे वाटरफॉल हो नेचुरल वाटरफॉल हो ना सर ना तो उधर यार देयर शुड बी वाटरफॉल एंड उधर देयर शुड बी हिस्टोरिकल प्लेस एंड देयर शुड बी यू नो सर ना एक क्या होता है ये क्या क्या होता है ना आदमी हॉस्पिटैलिटी होना है तो हम लोग कहीं ग्रुप की जगह में थोड़ा कम होता है तो ये थोड़ा हम माइंड सेट चेंज होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ में अभी सर देखो सर भी बोला है ये गंगा लेक तो देखने में इतना मैंने कहा इको टूरिज्म बना सकते साथ चलने में इतना झूम कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो तो जो अभी नेचुरल लेक तो क्या पार्टी में ये हो जाएगा सूख जाएगा तो ड्राई हो जाएगा उसी में सामने में आस पास में अगर जूम कंट्रीब्यूशन करेगा वो करेगा जैसा कि प्रीलिमिनरी एज में आदमी को इसे कहा होगा तो सर लो इंपोर्सिंग अथॉरिटी टकरा से ये करना है प्रिजर्व करना है।
कंप्लीट अप्लाई करना है, फिर ही थोड़ा आदमी उधर रहेगा, नहीं तो गंगा में प्रसाद मुझे बाहर प्रदूषण हो रहा पूरा नेकेड हो रहा है, देखने में बहुत और बेहतर है। ठीक है, थैंक यू। अभी हमारा डीपीओ साहब का बोलना यही है कि हम लोग का लोग अच्छा होना है। तो नहीं, इसके लिए भी हम लोग सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा ना। ना डीपीओ मैडम वही है, वो हम लोग सोल्यूशन ढूंढना है, हम लोग का आदमी कैसे अच्छा हो सकता है। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंपिंग, हम लोग का कोई टूरिस्ट आता है उसको अच्छा से बिहेव करना है। और जहाँ तक गंगा लेक का बात है, वो हमने तो जिस दिन हम ये किया, मुझे चेयरमैन बनाया, तब से हमने तो पोरेस को अभी दे दिया है। तो अभी वहाँ कैचमेंट एरिया वगैरह शायद हम अभी तक गए नहीं, एक बार जाएगा प्रोटेक्शन हो रहा है कि नहीं। तो अभी ये सर आप बोलिए, आप आपका टर्न है। ओके सर, ओके। अरे अभी बताइए आप, हुकुम कीजिए। अभी एक साल ही हुआ है सर हम लोग को यहाँ पे पोस्टिंग में, दो स्टाफ है और जो हमारे रीजनल ऑफिस है नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में, रीजनल डायरेक्टर श्री अनिल अरोड़ सर, उनके डायरेक्शन पे हम यहाँ पे काम कर रहे सर। तो सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर बहुत सारे इनिशिएटिव अभी शुरू हो गए अरुणाचल में। एक अरुणाचल प्रदेश इज वन ऑफ द हॉटस्पॉट्स, जैसे की स्वदेश दर्शन हो गया, प्रसाद हो गया, सर बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर जैसे मैम ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया सर, युवा टूरिज्म क्लब एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसपे हम लोग स्कूल्स में जाके हम लोग क्लब्स फॉर्म करते हैं। तो सर जो टूरिज्म का एजुकेशन है सर, ग्रास रूट लेवल पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स को वो लोग हम लोग शेयर कर सके, सो दैट वो लोग अपने सोसाइटी अपने कल्चर के बारे में उनको अवेयरनेस हो एंड दे कैन ऑल्सो बिकम एम्बेसडर्स ऑफ टूरिज्म। तो आई थिंक एक लॉन्ग रन में सर अच्छा इनिशिएटिव रहेगा, सो दैट व्हेन लोकल पीपल आर दे आर एजुकेटेड, जैसे कोई भी जगह का डेवलपमेंट होता है तो लोकल से ही होता है, बाहर का आदमी डेवलप नहीं करते। तो लोकल्स अगर सेंसिटाइज हो, लोकल अगर डेवलप्ड हो, जैसे कचरा नहीं करना है, गंदगी नहीं करना है, लोकल्स को पहले सेंसिटाइज होना है। तो सर आई थिंक हमें थोड़ा सा इस पे ऊपर काम करना है। जैसे हम लोग भी सर बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, अभी सर हम लोग किबूती से आए हैं लास्ट वीक में, इधर मैराथन है, एक रन सफारी हमने किया है सर, इंटरनेशनल माउंटेन डे पे हम लोगों ने वहाँ पे इवेंट किया है सर स्टूडेंट्स के लिए। तो सर ऐसे सर आई थिंक थोड़ा सा एजुकेशन फ्रंट पे हमें थोड़ा काम करना है। और सर मेरे पास कुछ सजेशन है, जैसे सर एक हमें एक सोशल मीडिया जो अभी बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी जगह का डेवलपमेंट सोशल मीडिया से ही होता है, जैसे उसको वायरल करना होता है, कोई रील्स बनाता है, कोई ब्लॉगर्स आके उसका कोई वीडियोस बनाते हैं। सो आई थिंक सर एक ईटानगर ICR का एक डेडिकेटेड सोशल मीडिया पेज होना चाहिए, सो दैट एवरी डे हमें ऐसा करना है कि एवरी डे एक पोस्ट डालना है उसपे और उसमें हमें सबको टैग करना है, यानी कि सिर्फ अपना स्टेट को ही। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे टैग्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अलग अलग स्टेट्स के हैं। अभी जैसे हम लोग का जो इंडिया टूरिज्म ऑफिसेस है, हर स्टेट में ऐसे ऑफिसेस हैं सर, शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, अलग अलग स्टेट विजयवाड़ा में है, पंजाब में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में है। वी हैव टू टैग ऑल द स्टेट्स सो दैट उनको भी एक मैसेज जाए कि ये थोड़ा सा पब्लिसिटी हो, तो वैसे सर ब्रांडिंग रहेगा ईटानगर का। और सर सेकंडली जो है सर, जो जैसे हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, जैसे सर आप लोग नया तो क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि अभी पॉपुलेशन भी इतना है, यहाँ पे थिक डेंसिटी है, तो जो एग्जिस्टिंग है उसको हमें कैसे प्रिजर्व करना है। जैसे हमें कोई एक कल्चरल आइडेंटिटी जैसा हम एक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जैसे गंगा लेक है हमारे एक हॉटस्पॉट है, एक लैंडमार्क है, तो एक हम लोग एक कोई फेस्टिवल वैसे ऑर्गेनाइज करके, जैसे गंगा लेक फेस्टिवल हो गया जो एनुअल इवेंट रहेगा, वो फूड रहेगा। जैसे सर हम लोग 3 C's की बात करते हैं सर, उसे कल्चर, कुजीन एंड क्राफ्ट, तो उस फेस्टिवल को हमको इसके टारगेट कर सकते हैं कि वो लेक जो फेस्टिवल रहेगा वो इन 3 चीजों के ऊपर रहेगा, कल्चर, क्राफ्ट और कुजीन। और ये रिप्रेजेंट करेगा जितने भी ट्राइब्स हैं अरुणाचल में, एवरीबॉडी विल हैव अ स्टॉल, डेडिकेटेड स्टॉल, सिमिलर टू जो हॉर्नबिल में हो रहे हैं। तो जैसे पहले तो किसामा तो कुछ नहीं था, पहले हॉर्नबिल के आने के बाद पूरा वो एरिया डेवलप हो गया। तो ऐसे अगर हम एक कोई फेस्टिवल कर सकते हैं गंगा लेक पे हो, या ईटा फोर्ट को लेके हो, या फिर सर कोई साउंड एंड लाइट शो, जैसे दिल्ली फोर्ट में ओल्ड फोर्ट में होते हैं जो साउंड एंड लाइट शो है, तो ईटा फोर्ट में हम लोग कुछ ऐसे कर सकते हैं। इनिशियल फेज पे तो सर आई थिंक ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं होगा बिकॉज लोगों को इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन अगर हम जैसे कोई गाइडेड टूर्स कर सकते, मैम ने बोला है कोई गाइडेड टूर्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं, स्टूडेंट्स को लेके आते हैं, टूर ऑपरेटर्स को लेके आते हैं, ब्लॉगर्स को लेके आते हैं, वो थोड़ा सा उनको पब्लिसिटी करें, तो आई थिंक थोड़ा सा लोकल भी उस पर इंटरेस्टेड रहेंगे। और सर एक जो चीज है सर,
अगर हमें कोई कल्चरल सेंटर यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मुझे लॉजिस्टिक्स का पता नहीं, बट इफ देयर इज अ प्लेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू क्रिएट अ कल्चरल सेंटर व्हिच विल रिप्रेजेंट अरुणाचल प्रदेश इन वन प्लेस, जैसे कोई टूरिस्ट आता है तो वहां जाके उनको एक आइडिया रहेगा जैसे अरुणाचल क्या है, अरुणाचल के क्राफ्ट क्या है, टेक्सटाइल्स क्या है, कितने ट्राइब्स है, एक एजुकेशन फ्रंट पे भी एक रहेगा अगर कुछ हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं. Because what I see is यहाँ पे सर जैसे हेरिटेज कहते हैं हम लोग, कोई मॉन्यूमेंट्स कहते हैं, ऐसा तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, जो स्टोरी टेलिंग है हम लोग नैरेटिव्स को हम लोग अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं. सो मे बी वी कैन डेवलप समथिंग लाइक दैट व्हिच विल गिव अस अ नाइस नैरेटिव और उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कर सकते हैं. और फिर सर एक ब्रांडिंग भी हो जाएगा उससे, पूरे स्टेट का ब्रांडिंग हो जाएगा. हम लोग तवांग की बात करते हैं, जैसे हम लोग किबीतू में गए हैं सर, जैसे मैं दो तीन महीने पहले मैं लाडा में गया था सर, इस महीने में वहाँ पे भी सर लोग इतने इंटरेस्टेड है, दे आर एक्सेप्टिंग टूरिज्म, दे वांट टू कम इनटू द इंडस्ट्री. लेकिन सर एक्सेसिबिलिटी का चैलेंजेस इतना है, वहाँ पे होम स्टेज का प्रॉब्लम है, एमिनिटीज का इश्यूज है. तो अगर हम सबको एक जगह पे लेके आ सकते हैं हर ट्राइब को, ताकि टूरिस्ट आके उनको एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आके जब उनको इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि ये ऐसे करके एक जगह है, एक विलेज है, तो वहाँ भी तो उनको जाने का मन करेगा फिर बाद में. तो सर उस पर भी हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं. ये तो बहुत अच्छा चीज बताया, लेकिन आप 2 साल से है, एक साल में तो हम लोग एक बार भी दर्शन नहीं हुआ, तो आप शायद पता नहीं एक साल में यहाँ किसले चुपके बिताए हैं, तो गलत बात है ना. तो हमारा दी आयो तो नहीं था, लेकिन आयो तो था हमारा, मैंने डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर नहीं था लेकिन टूरिज्म ऑफिसर था, टीआईओ तो हमारा पास था, लेकिन आपका बारे में कभी बताया भी नहीं है. और आप खुद भी टूरिज्म का जो एक एक्सपोजर हम लोग को आप अपना को भी देना चाहिए ना, हम लोग भी यहाँ जिंदा है, हम लोग टूरिज्म रिलेटेड काम करता है बोल के, हम लोग तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, अभी तक हमारा पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है. आज तो इसलिए डिस्कशन में लेके आया, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से हम लोग भी, ईटानगर जो है ऑफ कोर्स पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन यहाँ जो नोटिफिकेशन का मुताबिक से यहाँ का डीसी जो है, दूसरा डीसी जो भी काम करता है हम लोग कर सकता है. सिर्फ वही है कि हमारा पास एक कोड जो डिस्ट्रिक्ट कोड नहीं है बोल के, रेस्ट हमारा सारा चीज़ चलता है. तो बहुत दिनों से मेरा वो TIO का साथ काफ़ी काम करने की कोशिश किया, वो तो पहले सस्पेंशन में भी था, फिर रिवोक कराया, फिर अच्छा से नहीं हो पाया, उसमें मिलने से अभी हमारा आधा काम होके बैठना था. हम लोग का प्रिपरेशन जो है ना, इसलिए गवर्नमेंट सेटअप में ऐसा होता है ना, प्रिपरेशन करते करते ट्रांसफ़र हो जाता है. मेरा टेन्योर तो खत्म हो गया यहाँ बैठने का, तब अभी आपको दर्शन आया, जबकि हम लोग तो बहुत कुछ यहाँ करने का दिल करता है. और ऐसा नहीं है कि सरकार जो है हम लोग का साथ, ऐसे नहीं है कि कभी कभी बहुत ही कोशिश करता है सरकार नहीं सुनता है, ऐसे नहीं है, ये सरकार तो सुनता है और जो भी प्रपोजल अच्छा प्रपोजल भेजने से वो लोग मानता भी है. लेकिन लास्ट टाइम हम मिस कर गया वो दरिया हिल का, एक्चुअली वहाँ से सेक्रेटरी जो है टूरिज्म और गवर्नमेंट ऑलरेडी डिस्कस हो गया है कि ये ओके करना है ओके. तो हमारा जो डायरेक्टर टूरिज्म था लवासना में ट्रेनिंग ले रहा था, फिर मेरा जो ये TIO जो है वो प्रॉपरली वो वहाँ में घूम के अगर काम होता लास्ट बजट में हमारा ये हो जाना चाहिए था. तो अभी ये समय में आरी में हम लोग कोशिश करेगा. अभी मैंने सेक्रेटरी टूरिज्म, डायरेक्टर टूरिज्म और CMO ऑफिस को बात किया है, फिर हम लोग अभी प्लान कर रहा है, एक बार फिर से विजिट करेगा और हम लोग काम कर रहा है. वो सिर्फ एक 1-2% है सोच लो हमारा प्लान जो है, तो रेस्ट अभी जो है आइडेंटिफाइड करके लोग बाहर से आने से या एग्जैक्टली हम लोग कैसे टाइम पास कराएगा ना. और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का हमारा DPO साहब बोला है, अभी हम मेट्रो जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे हम लोग का ये नेचर आ गया, तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ता है तो लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा मोरा होता है, लेकिन टूरिस्ट को प्रॉब्लम देने वाला नहीं मिलेगा. और तो अभी आपने जो
ये जयपुर में गया था ना, लाइट एंड म्यूजिक शो, वो जो इटापोर्ट में, इसको एक्सपर्ट को लेके आप प्लान कीजिए, वो तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट रहेगा। और हम लोग अपना यहाँ, मेरा जो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं, तो बच्चा लोग ही इटापोर्ट नहीं देखा है, तो इसको क्या करना है कि स्कूल में हम लोग एक प्लान करके बेच वाइज, क्योंकि इटापोर्ट में पार्किंग स्पेस कम है, आदमी भी इतना नहीं घुस सकता है, तो हम लोग उसको अपना यहाँ, जैसे जू है, गंगा लेक है, म्यूजियम है, गुम्पा मंदिर श्लोक है, फिर ये अभी इटापोर्ट है, हम लोग प्लान करके अपना बच्चा लोग को घुमाना भी चाहिए, घुमा के उसमें तो सोशल मीडिया में उसको फिर घूमने वाला को डाल के, तब तो जाके अपना बहुत कुछ करने का है अभी यहाँ ना। तो बहुत अच्छा सजेशन दिया आप तोरा से, ये हमारा द्वितीय मैडम को गाइड कीजिए, और बाहर का साथ कैसे हम लोग कॉन्टेक्ट करेगा, आपका जो वेबसाइट में, आपका पोर्टल में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो हम लोग जो जो शेयर करेगा आप भी शेयर करते रहिए। और अभी हमारा पास बहुत से इस हमारा अंदर में भी, जैसे कि करसिंगसा में एक है बिल्डिंग, उसका बाद वो बंदरदा में बिल्डिंग है, वो मांगा है हम ना, क्योंकि हम लोग लीज किया था यहां नहीं, इसमें यहाँ ऐसे है ठेकेदार लोग ना बदमाशी करके पेमेंट नहीं मिला है बोल के वो लोग ही पकड़ के रखता होगा सर, इसलिए वो उन लोगों को डिटेल्स मांग रहे हैं, मांगो अभी हम जाने से पहले मांगो, हम लड़ाई झगड़ा करके भी निकल देगा, बाद में आपको मिलेगा नहीं, हाँ ले लो ले लो ले लो, कुछ नहीं है, वो लोग सब पेंडिंग बिल दिखाएगा और नहीं झगड़ा करते रहेगा। तो आर्ट एंड कल्चर बताइए, आपका कुछ आइडिया है तो आप लोग, मेरा तो वही है, एक रोप वे बनाने से अच्छा है, नहीं रोप वे का तो ऑलरेडी हम लोग ने सर्वे कंप्लीट कर दिया, यहाँ से ये एच सेक्टर से लेके गुम्पा मंदिर जाएगा आईजी पार्क होके, फिर वहाँ से सीधा ये आपका ये 6 किलो नहीं किपा तत्तर का वाला क्या नाम है, सांगो, सांगो से होके सीधा वो हमारा जो डी सेक्टर पोलो पार्क जाके वो एक है, फिर उसका बाद वहाँ से सीधा उधर बस स्टेशन लेके निकल जाएगा, रेलवे में भी हम लोग कनेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, वो पार्ट अभी हम लोग सर्वे कंप्लीट नहीं किया, यहाँ से लेके ये गुम्पा मंदिर होके, तो लास्ट टाइम वो चीफ सेक्रेटरी मीटिंग लिया था, तो इसमें थोड़ा से प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो रूप है जो जा रहा है उसका नीचे में प्राइवेट बिल्डिंग लोग बहुत है, फिर वो हमारा रस्सी जो है रोप जो है वो किस जिसका घर का थ्रू जाएगा वो ऑब्जेक्शन देगा नहीं देगा, उसको फाइनल फिर एक बार सर्वे करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सेम चीज़ अभी आपका वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दरिया हिल में नेक्स्ट में वहाँ लेके जाना है रोप वे को, तो उसका तो अभी नेक्स्ट प्रपोजल में होगा, तो उसके लिए एक मीटिंग होगी चीफ सेक्रेटरी लेवल में, तो ये है, तो इसमें हम लोग दोनों ट्रैफिक के लिए भी और दूसरा है टूरिज्म के लिए भी, ये दोनों काम के लिए हम लोग उसको है। और बताइए उसके बाद ये जो वाच टावर होता है ना सर, ये गुम्पा में इसमें इटापोर्ट में ऐसा बड़ा ऊंचा करके बना के देखने के लिए, हम बहुत जगह नेपाल भर में ऐसा देखता है, जो जंगल में है कुछ नहीं है, जंगल देखने के लिए इतना आदमी जाता है इसके लिए वाच टावर में उठ के देखने के लिए, ये सब जगह देख देख के ये सब देख करने से अच्छा होगा। और उसका बाद ये जो आपका ये जो जो है ना जो जो में भी ऐसा है, हम लोग को नेपाल में दिया था वो कुछ नहीं है वहाँ में, वहाँ में वहाँ का लोकल आदमी लोग टैक्सी लेके ओपन जो जीप है वो लेके पैसा लेके घुमाते हैं, हम लोग को कोयला रोड पे वो ज़्यादा चलते हैं वहाँ नेपाल को उनके देता, तो ऐसा ही उसको भी बना सकता है ऐसा ना, इम्प्लॉय हो जाएगा आदमी लोग भी घुमाने के लिए
टूरिस्ट गाइड जरूरी है ये गाइड करने के लिए, दिखाने के लिए, घुमाने के लिए, ऐसा ये सब याद स्टार्ट होने से अच्छा होगा। उसके बाद वो जो हम लोग अभी जो इताबोक का वो बोल रहा है, इताबोक का जाके सिर्फ देख के आता है, लेकिन उसको हिस्ट्री को कुछ प्रिंट करके देना है, बताने वाला हिस्ट्री उसका, म्यूजियम का बारे में भी, वो आइटम का बारे में प्रिंटेड करना है किताबों में, और वो इसका ये भी देना है ये कैसे निकाले, उसका हिस्ट्री को पूरा लिख के वो जो विजिटर्स है उसको पढ़ने के लिए देना प्रिंट करके, वो इतना है मेरा। तो एक चीज है कल्चर, जो कल्चर का मैंने हम देखा है वो नेपाल में, वो वहाँ का तारो बोल के है, तारो कल्चर सोसाइटी बोल के, वहाँ में मैंने एक रूम है, ऐसा रूम बना कर रखा है, सब लड़के लड़का लोग डांस करता है, टूरिस्ट लोग पूरा आके शाम को देखता है पैसा देख कर, वहाँ का लोकल कल्चर नाच गाना ही करता है, पॉप का मॉडर्न का सब करता है, लोकल ही करता है। तो वो भी हम लोग को फॉरिनर रूप का हम लोग को ज़्यादा तोड़ा लेता है, और नेपाली वहाँ का जिनको घूमती रहता है वो सब इंगेज हो जाएगा, महाभवन जैसा एक बनाना है, इटानगर में एक बनाना है, ऐसा बनाए अच्छा है ऐसा, जयपुर में भी है ठीक है। दीपू मैडम कुछ बोलेगा, सब लोग इतना आइडिया दे दिया सर, आप तो सर न्यू लोकेशन अच्छा पुराना जो एग्जिस्टिंग है जैसे गंगा लेक जो बीच में तो सर एक अच्छा से मेंटेनेंस वगैरह भी हुआ था, उतना पब्लिक भी जाता था, भी तो मेंटेन था ना, तो सर रेवेन्यू भी अर्न कर रहा था, तो आई थिंक एग्जिस्टिंग को हम जू वगैरह सबको सर हम लोग पहले उसको रीडेवलपमेंट करने से ठीक है, लेकिन सर प्रमोशन के लिए बोलने से तो सर सच में अभी तो सोशल मीडिया तय है, तो हम लोग जितना भी प्रमोशन करने से भी आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ले लेने से सर डिपार्टमेंट या कंपनी जो भी है फंडिंग करके ऐसा होने से सर वो मैक्सिमम तक पहुँचेगा, तो जगह जगह वो सर हम लोग ऐसे प्रमोट जैसे कि सर इंस्टाग्राम वो सब में भी आते रहते हैं अरुणाचल के, छोटा छोटा रील्स आता है बट इतना लोग देखते हैं, अरे अरुणाचल में के रिसेंटली ग्रोइंग का होटल जैसा भी है होमस्टे का ऐसा सब होटल, तो इतना लोग देख लेते हैं सर, तो फिर उसको ढूंढ ढूंढ के आके तो ऐसा होता है सर प्रमोशन होता है। सेकेंडली सर हम लोग का टेरेन जो है थोड़ा एडवेंचर टूरिज्म हो जैसे सर हाइकिंग वगैरह कुछ कुछ बड़ा बड़ा लेकिन सर छोटा छोटा कुछ कुछ डिपार्टमेंट करा सकते हैं टूरिज्म हमेशा हाइकिंग वगैरह लो स्केल में नॉट वेरी हाई बट जो टेरेन हमारा है बाइकिंग साइकिलिंग कुछ कुछ सर वो करा कर सकते हैं, और सर हम लोगों का तो इतना ट्राइब्स है तो सबसे कल्चर मतलब इतना मिक्स कल्चर है तो सर जैसे कि फूड फेस्टिवल वगैरह सर यहाँ भी होने से हमेशा जैसे कि हम लोग भी कुछ इवेंट होने से हम भी थाली है कि ये है क्योंकि सर झुमको थाली ऐसे दिन भर के जाता है ना सर, तो वो चीज़ होने से मतलब लगता है हम लोग भी बीच बीच में सर कल्चरल एक्सचेंज बोलेगा क्या ऐसे करके सर ऐसे कुछ इवेंट्स अगर कराते रहेगा तो वो लोग भी आके हम लोग का कल्चर सीखेगा, तो ऐसे होते सर ऐसे लगते सर, और आइडिया तो सर लोग पूरा दे ही दिया सर का, लेकिन बोला था जो सर व्यू पॉइंट है ना वो जैसे सेल्फी पॉइंट टाइप का भी हो जाता है सर, आदमी लोग इतना स्ट्रगल करके मतलब चढ़ता है ऐसा होता है सर जगह जगह में मतलब जहाँ तो अगर सेट हो गया शायद अभी तो ऑलरेडी सिटी वो हो गया, लेकिन जहाँ अभी सर कुछ कुछ हम लोग अभी भी तो बहुत अनसपोर्ट है सर वो जगह में सर व्यू पॉइंट लगाने से हाँ वो व्यू पॉइंट टिकट करके आदमी ना पूरा ईटानगर को देख सकते हैं नाहरलगुन को ऐसा होने से सर वो बहुत सुंदर होगा, मतलब कोई जगह मतलब ऐसा ऊँचा सा जहाँ से टाउन पूरा दिखे वहाँ करके व्यू पॉइंट होने से वहाँ सब मतलब विजिटर्स भी तो सर ढूंढ ढूंढ के आएगा तो वो भी वन ऑफ द हो जाएगा सर, तरह से प्रॉब्लम गोम्बा वगैरह में तो शायद ऑलरेडी सेट हो गया सर वहाँ पे तो मेला होगा क्यों नहीं होगा सर, और सर लोकल जैसे सर जो बोले वो पैम्फलेट देता है ना कोई टूर या डिपार्टमेंट का कोई वहाँ पे लगा देने से जैसे इटाफोर्ट में लगाते हैं तो टूरिस्ट आते हैं तो उनको बताएगा क्योंकि वहाँ जाने से उनको किससे पूछेगा ऐसा हो जाता है, सर डिपार्टमेंट से ही स्टाफ को एंगेज करके या किसी को लग गया जो टूर गाइड टाइप का या कोलाबोरेशन प्राइवेट टूर गाइड ना उनके साथ कोलाबोरेशन करके ऐसा करने से सर कोई बताने वाला भी होगा, अदरवाइज दूर उनके जाते हैं अपना देख के आ जाते हैं तो सर इनमें से, और लोकल का सर जैसे अभी बहुत लोग तो सर यहाँ होम स्टे सब ढूंढ के आते हैं तो अपने जब होम स्टे वॉक कर रहे हैं तो वो लोग तो कल्चर को ही सीखने आते हैं तो सर मतलब कैसे रहते हैं साथ में रह के लोकल खाना होटल वोटल नहीं जाके होम स्टे प्रेफर करते हैं तो होम स्टे को भी सर थोड़ा चॉइस देने से ना
तो वो लोग आके लोकल का साथी रहेगा, लोकल का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है करके, तो उसको भी सर थोड़ा ट्रस्ट देने से ठीक है ये होम स्टे को भी हम लोग ना। तो मैडम आप बोलिए। आज या आपका सामने मतलब ये ऐसे मैंने सोचा नहीं था, मतलब कुछ भी थैंकफुल सोचते हैं। और हम जो सर टू ईयर्स होम स्टे चला रहे हैं और डिपार्टमेंट से भी हमको ये ये वैल्यू एक्शन प्लान में कुछ बहुत मदद किया था, क्योंकि होम स्टे मैंने हमेशा हमेशा ये कोशिश किया कि घर से कम निकलने वाला काम हमेशा मैंने ऐसे काम किया, तो इसको भी हम जो ऐसे करके रजिस्ट्रेशन करके चला रहे हैं। तो सर इसको होम स्टे को रिप्रेजेंट करके बाकी सब ने जो बोला सही बोला और ना, और ये कभी जो व्यू पॉइंट अगर दरिया मेरा पिताजी का ही जमीन है, बचपन में वहाँ से पूरा असम दिखता है, बोला मैंने पिताजी का साथ पैदल गया एक दिन चढ़ के, उसके बाद जिंदगी हम मुर्खे ऐसे चलाइए और उतरते समय भी रोने दिले, लेकिन फिसल गया तो नीचे गोपा मंदिर से पैदल गया एक बार ही गया। तो अभी रिसेंटली हम फिर गया फर्स्ट टाइम, मोटरेबल पिताजी खुद खर्चा करके मोटरेबल बना दिया, आप वो भी अभी जा सकता है वहाँ में सेरेनिटी क्या बोले मतलब अलग सा। मेरा ग्रैंड माँ को वहाँ में जहाँ दफनाया जंगल में मैंने अकेला घुमा, लेकिन कुछ डर नहीं ऐसे है दरिया पहाड़ नहीं नहीं जो मैं होम स्टे तो मेरा वही इधर बस्ती में ही हमला घर को, क्योंकि मेरा बच्चा लोग सब हॉस्टल में था, चार बच्चा है तो रूम भी खाली है, तो होम स्टे करके मेरा अच्छा शुरुआत भी अच्छा हुआ। एक फॉरेनर आया मतलब फॉरेन से सेलिब्रिटी था, तो मैंने लोकल कुजिन पूरा सब कुछ किया, तो पेंट हाउस को मैंने उसको थोड़ा और ये टूरिज्म डिपार्टमेंट से मतलब मदद लेके उसको और भी फर्निश करके अभी अच्छा ही चल रहा है। लेकिन अभी एक तो प्रॉब्लम ये है कि मतलब बच्चा लोग हम लोग सब ट्राइबल आदमी का तीन चार बच्चा होता है बच्चा लोग जब हॉस्टल में तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा आपको ये महसूस हो रहा है बड़ा बेटा बी एग्जाम फाइनल लेके आ गया, अभी तो घर बैठेगा, तो मैं तीन रूम हम चला रहा था अभी ऑक्यूपाइड हो रहे ना, और ये दिसंबर को तो पूरा छुट्टी हम होम स्टे मतलब किसी को गेस्ट को अलाउ नहीं किया, तो अगर इसको रूम एक्सटेंशन अगर इसके लिए प्रोविजन होने से बहुत अच्छा है। और फिर मैडम से भी हम एक बार बात किया था, तो बस्ती में भी सबको अवेयरनेस दो ना होम स्टे, जैसे कि कभी कभी 15-20 ग्रुप तीन रूम से नहीं होगा, और मेरा तो रिकॉर्ड देख रहे हैं ना 6-10 ऐसे आ जाता है, तो एक्स्ट्रा बेड लेके हम एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आंसर नहीं सक रहे ना, तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। हम लोग यहाँ पे तो अरे अपना घर में कैसे हर एक आदमी को खाना खिला रहे ना, ये एक निगेटिविटी ना ये, और हम सबको समझाता है औरत लोगों भी बहुत सारा लेडीज लोग ऐसे बेहतर है, ये लेडीज लोग के लिए स्पेशल बहुत अच्छा है, घर से सेम खाना तो खिलाएगा अपना जो खा रहे, तो अवेयरनेस नहीं है, तो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। उल्टा यहाँ का मर लोग भी हमको उल्टा परेशान करते हैं, तुम्हारा होम स्टे में सोने आएगा, ये तुम लोग नहीं है टूरिस्ट के लिए, ये मतलब एक निगेटिविटी है सच का। वो जो है हम रिसेंटली दिरंग गया था वहाँ बाहर का टूरिस्ट जो हम बोले ईटानगर भी कभी दिन आइए ऐसे बोला है, तो मतलब तानी बेल्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है ऐसे उन्होंने भी सुना है उनके ना, तो ये एक तो है मतलब हम का आदमी लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्क का पीछे पड़ेगा क्या क्या मतलब इसमें भी तो आर्मी जो इनकम जनरेट हो रहा है, तो आप अगर वो चीज़ बता हम अपना तरफ से बताते हैं, आप एक यूनिट को ये रेंट देगा तो 10-12 हज़ार, तो आप एक रूम दो रूम एक टूरिस्ट को 2-2 हज़ार भी ले लो खाना पीना देके, तो 1000 भी अगर कमाता है तीन रूम से हम 3000 कमा रहे हैं ना, 3000 into 10 days 30,000 हम कमाई कर रहे हैं सिर्फ रूम का चार्जेस लेके, तो हम अभी वो वैल्यू को नहीं समझता है। और हमारा ट्राइबल लोग तो वो सच का है 1-2 रुपया को इंटरेस्ट नहीं है लाख में ही, और फ्यूचर में तो ये चीज चलेगा हम सबको बताते हैं, तो अभी हम अपना पैसा से रूम एक्सटेंशन तो कर रहे हैं, लेकिन और भी मेरा दोस्त लोग हैं सबका ऐसे ही प्रॉब्लम है, 3-4 बच्चा सबका है कम वाला बच्चा नहीं, तो अगर ऐसा प्रोविजन होम स्टे लोग के लिए कर सकने से मतलब रूम एक्सटेंशन के लिए तो मेरे लिए
तो लास्ट स्पीकर बोलिए आप, सबका सुन लिया। हम सर हम टूर ऑपरेटर है, लास्ट 20 ईयर से मैं टूरिज्म में काम कर रहा हूँ और मेरा लाइवलीहुड भी टूरिज्म से ही है सर। और जैसे कि मेरा होटल बुकिंग होता है, पैकेजिंग होता है, आईएलपी पॉइंट डोमेस्टिक टूरिस्ट हो इंटरनेशनल टूरिस्ट हो उसको मैं गाइड और ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। और प्लस इसमें मेरा स्पेशलाइजेशन है एडवेंचर टूरिंग, मैं माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग, उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन। तो है ये टूर ऑपरेटर सीनियर टूर ऑपरेटर से अभी हम लोग का ऑनरशिप में अभी एग्जाम में कुछ बोला है कि तवांग मंदिरला मेचुपा एंड जीरो, उसमें हम लोग फोकस है ज़्यादातर। तो हम भी मेरा ऑफिस ईटानगर में 0.3 में, क्योंकि ईटानगर से जितना भी टूरिस्ट आता है सर यहाँ पे हम ट्रेंजिट कैंप भी रखा हुआ है। हम जो पैसा कमाता है मेचुका जीरो तवांग मंदिरला कुछ नाम से आगरा से, क्योंकि वहाँ से उतना मतलब इनकम भी आ रहा है, क्योंकि ईटानगर में हम लोग ट्रेंजिट कैंप बनाए, क्योंकि आपने जितना भी डिस्कशन किया वहाँ पे और रिक्रिएशन एक्टिविटी कुछ इतना इतना वो नहीं है, मतलब मेजर ये नहीं, उसमें हम लोग ईटानगर का टूरिस्ट को हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल टूरिस्ट, क्योंकि वो मेन ईटानगर को देखने के लिए एक एट्रेक्टिव उसको नहीं आता है, ओनली फॉर द ऑफिशियल पर्पज। ऑफिशियल पर्पज में जो है जैसे आज मीटिंग होगा, आफ्टर मीटिंग के बाद में आफ्टर 12 बजे खत्म हो जाएगा, उसमें हम लोग रिक्रिएशन कर लेते हैं फॉर रिक्रिएशन एक्टिविटीज। एंड देन जो संडे में कुछ आ गया, सैटरडे को मीटिंग है संडे में आ गया, उसके लिए हम लोग को हम डिमांड है। तो उसमें हम लोग का जो हमारा जितना भी ये है तो इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो हम लोग यहाँ पे रखने का इतना ये नहीं, क्योंकि यहाँ जीरो पे ज़्यादा आता है, जीरो से ईटानगर को सीधा वहाँ से रेलवे स्टेशन नहीं तो वो आती तो डायरेक्ट जीरो, और नहीं तो वहाँ से सीधा मैं चुका नहीं तो हम बोलते यहाँ पे देखने का नहीं। इसलिए डोमेस्टिक टूरिस्ट इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत कम आते हैं यहाँ पे, डोमेस्टिक है डोमेस्टिक मतलब ऑफिशियल टूरिस्ट में जाता है, और ईटानगर टूरिस्ट है जे ओनली ऑफिशियल टूरिस्ट हम लोग मान के चलते हैं। तो इसमें मेरा एक शॉर्ट ये में है, तो आप लोग अभी ये क्या है स्टेट म्यूजियम ईटाफोर्ट गंगा टेक, ये तो जस्ट छोटा छोटा मेजर ईटानगर के लिए मेजर है। बट मेरा जो अभी सजेशन आइडेंटिफिकेशन है शॉर्ट में, तो सबसे पहले हमने पोमा में भी हमने रिवर राफ्टिंग का ट्रैकिंग का बहुत 10 साल से बहुत कोशिश किया, स्टूडेंट लोग को भी हमने ट्रेनिंग किया है और पोमा में भी हाइकिंग का ट्रेनिंग किया। इसमें ट्रैकिंग का प्रोविजन इतना नहीं है, हाइकिंग का प्रोविजन है, आइडेंटिफिकेट कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो है एडवेंचर टूरिंग स्पॉट को उनको रिक्रिएशन के लिए, सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, आप लोग भी हम अच्छा से आइडेंटिफाई कर मार्केटिंग करने से सर आप भी आ सकते हैं। हम संडे को सैटरडे को जाना है, सैटरडे को जाके 10 मिनट जंगल में जाके संडे को इवनिंग वीकेंड काम करें, ऐसे होने से ऑफिशियल जो इतना जो काम है उसके लिए भी रिक्रिएशनल है। और बच्चा लोग के लिए अभी जो है इतना संडे को ताश के मोबाइल सोबाइल कहते हैं उसको भी हम लोग ने टारगेट किया कि उसको हम लोग जंगल में एक दिन रखेगा, ताकि उसको माइंड जो है ना थोड़ा सेट हो जाएगा पॉजिटिव से ये में। और जंगल में जाने से और बर्ड वॉचिंग का ट्रैकिंग का कैंपिंग का ऐसे होते उनका जो लाइफ भी स्पीड से थोड़ा सा मतलब बदली हो सकता है, ताकि उन लोग मोबाइल में उन लोग बिजी है। तो उसके लिए मतलब सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, उन लोग भी तो बोलने से एक प्रकार का टूरिस्ट। तो ईटानगर में जितना भी आता है जो ऑफिशियल लोग भी उन लोग हमको पूछते रहते हैं कहाँ में क्या करना चाहिए अच्छा रहेगा, तो हम लोग सीधा जीरो ही ले जाते हैं, फिर जीरो में एक्टिविटीज कुछ करने का है। तो इसमें ईटानगर में हमने जो पूछा है हाइकिंग का जो है आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है, नॉट ट्रैकिंग बट फॉर हाइकिंग इट इज शॉर्ट डिस्टेंस जो एक्टिविटीज है। और नंबर टू जो है इसमें हाइकिंग में तो एडल्ट और शायद चिल्ड्रेन का ज़्यादा हम लोग का डिमांड है, और उसमें हम लोग का टेंट का जरूरी है, स्लीपिंग बैग, टेंट, उसमें रॉक क्लाइंबिंग की एक्टिविटी हो या रिवर राफ्टिंग का हो या एंगलिंग का हो, बर्ड वॉचिंग का तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो बात का तो ईटानगर में बहुत कम हो गया, बिकॉज वी आर नामनप्पा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नामनप्पा और जीरो में और तालिबेल वाइल्ड सेंचुरी, उसने बात का हम लोग एक्सपर्ट बुला के हम लोग का जो बार्डर्स है जो एक्सपीरियंस वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस उसको हम लोग लेके आते हैं। नंबर टू जो है उसमें व्यू पॉइंट आइडेंटिफिकेशन व्यू पॉइंट बहुत थोड़ा जरूरी है, थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ में उस साइड में जंगल साइड में थोड़ा सा ट्रैकिंग हाइकिंग जाके उधर से व्यू को देखिए में तो हम लोग का डिमांड है, जो टूरिस्ट का जो हम लोग को डिमांड दिए हम लोग का डिमांड है। और नंबर टू जो होम स्टे का हमने अभी जस्ट बनाया कि 8 होम स्टे ऑलरेडी सेलेक्टेड अंडर CMPVC प्रोजेक्ट विकास योजना, किंतु हम आई मास्टर ट्रेनिंग होम स्टे को हमने जीरो में हमें शुरू किया था। तो ट्रेनिंग 1 साल 2 साल का पूरा ट्रेनिंग देखे हम ही कुछ
हमें कुछ मतलब सिक्किम से ट्रेनिंग किया है, फिर हम सिंगापुर में भी हम 6 days का इको ट्रिप पर ट्रेनिंग किया था, तो उसमें हम लोग को भी जो ट्रेनिंग जो ऑलरेडी लद्दाख से जो आके जो सिखाए उसमें से जो अभी ईटानगर में जो होम स्टे है तो इसमें एक्चुअली हाफ ट्राइबल कल्चर हो गया, क्योंकि उनका जो है सबसे पहले टॉयलेट को उन लोग तो ये है मानता है, टॉयलेट वेस्टर्न हो नहीं है तो पहले का ट्रेडिशनल टॉयलेट है उसको अच्छा नहीं लगता है, वेस्टर्न का होना ही पड़ेगा चाहे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल, इंटरनेशनल का तो कंपल्सरी वेस्टर्न टॉयलेट होना ही है। और नंबर टू जो है इसमें रूम का तो क्लीननेस होना ही, हम लोग का जो ट्राइवल का जो ये है उसका क्या बोलते हैं इसमें रूम है वो इतना अच्छा है उसको तो मॉडिफाई होना है, बाकी जो है ट्रैवल का जो है आइडेंटिफिकेशन होना पड़ेगा। ईटानगर में जितना भी होम स्टे है हमने देखा है कुछ उसका क्योंकि ट्रैवल का जो घर जो है निशी हो अपतनी हो ताकि जो भी हो उसका कुछ ये नहीं बनवा नहीं बिल्डिंग ये होंगे इतना तो बिल्डिंग में कोई भी हम लोग भी तो टूरिस्ट को लेकर होम स्टे जैसे नहीं लगता है, तो हम व्हाट आई फील सजेस्ट दैट कुछ कुछ जो जो ये है घर को कंस्ट्रक्शन जो हो आधा बिल्डिंग होने चलेगा जो आधा ट्रेडिशन होने से देखने में और अट्रैक्टिव हो ताकि उसको भी मतलब वो चाहिएगा कि उन लोगों का हाँ ये उधर जैसा नहीं सोचिए होना ट्रैवल का ये कि उन लोगों का कुछ कंप्लीटली डिमांड है प्योरली मतलब बस्ती ही होना चाहिए तो होम स्टे जैसे नहीं इस टाइप का ये है क्योंकि उन लोग इसलिए हम सीधा जंगल में ना जाते हैं, जंगल का बस्ती में जहाँ में कम्युनिकेशन भी नहीं है ट्रांसपोर्ट भी नहीं उसमें सेटिस्फाई रखते हैं क्योंकि उसको क्योंकि उसका सिर्फ डिमांड है स्पेशल फॉरेन टूरिस्ट का सिर्फ वही कि टॉयलेट को थोड़ा सा ठीक करो और सोने का जगह ठीक है बाकी पैसा देने में कमती नहीं है, तो इसलिए हमको तो चाहिए हम लोग पैसा कमाना है इसलिए जंगल में सीधा बस्ती में जहाँ में कम्युनिकेशन है उसमें ले जाता है ताकि हमको चाहिए तो सिर्फ पैसा चाहिए तो उनका दिमाग जो है देने के लिए रेडी है, तो इसलिए तो ईटानगर जैसे में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन ले ना थोड़ा होने से ठीक है ना टू होम स्टे में थोड़ा सा मैं जैसे निशी है तो निशी का थोड़ा सा घर को ना आधा आधा कुछ घर को मतलब हाँ वो बहुत जरूरी है हम लोग नहीं चाहते अभी जो है आप लोग का होम स्टे का जो वेबसाइट बना के अपना सीधा आप लोग को कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, पहले तो हम लोग टूरिस्ट को लेके आता था अभी तो जीरो आगरा में अपना से मतलब ना वो एक बार आ गए तो आइडेंटिफाई करके दूसरा में फोन करते हैं उससे नेटवर्किंग हो जाएगी ना, और दूसरा जो है जो यूथ अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उसको प्रॉपर जो मैडम जो अभी CMPB का जो ट्रेनिंग जो होता है सर हम जो हमारा ये है कुछ ये जो यूथ लोग है अब प्रैक्टिकल सारे सिर्फ स्कीम को लेने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, जो स्कीम को ले लेगा बस खत्म किंतु प्रोफेशनल में जाएगा बोल के वो ये नहीं है, इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अभी जितना भी टूरिज्म का क्या कर रहा है उससे स्कीम को स्कीम को ही सिर्फ तरगत है CMPB सर पर्यटन विकास योजना और पहले का सब्सिडी स्कीम है स्कीम नहीं लेते वो खत्म है ना, तो हम जो सोचते हैं कि जो प्रोफेशनल रियली काम करेगा ना उसी को थोड़ा आइडेंटिफाई करना मेरा बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इजी वे में फिर हो जाता है मतलब ना और लंबा लगता हाँ कुछ कुछ रियली काम करने वाला भी है तो इसलिए उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारा इसमें भी हम ट्रेनिंग होते रहते हैं अभी हम लोग का सीजन है एक्चुअली हम भी मेरा एलोंग में पैकेज ये है डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं आप बुराए होकर ना इसलिए ये है, और दूसरा जो है हम जो है अभी दीनदयाल हो CMPB है उसको सिलेक्शन जो है ना उसको सिलेक्शन जब होने के बाद में उसको पर फिर आप लोग का ऐसे है कि जब सिलेक्शन हो जाएगा सिलेक्शन होने के बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं होता है, जब सिलेक्शन होने के बाद में उसको अच्छा से बुला के अच्छा से फिर ट्रेनिंग होने से जो अच्छा है, क्योंकि कोई कोई जस्ट PAP को ले लिया टूर ऑपरेटर लाइसेंस बना दिया PAP लगा दिया उसके बाद स्कीम को ले लिया जब खत्म तो उसको अफसर जब सिलेक्शन का बाद में उसको एक बार और अच्छे से ट्रेनिंग करना चाहिए अच्छा ताकि एक्चुअली जो रियली प्रोफेशनल टूरिंग को प्रमोट करना चाहते हैं वो यूथ को आइडेंटिफाई करने जरूरी है कुछ रियली करना चाहते हैं वो नहीं हो पाए इस टाइप का कुछ इतना प्रॉब्लम है, और दूसरा जो है ये हाँ ये एडवेंचर स्पोर्ट्स का जो है राफ्टिंग का तो शायद इतना खास नहीं होती है इतना बड़ा नहीं है हाँ एंगलिंग का कर सकता है और जो मछली वाला ना एंगलिंग का किंतु उसमें बॉम ब्लास्टिंग कुछ कुछ हो रहा है इसमें थोड़ा कोमा साइज में प्रॉब्लम है, इसको प्रॉपरली अच्छा से मछली को कंजर्वेशन रखने से कंजर्व करके रखने से तो टूरिस्ट तो आएगा ही आएगा एंगलिंग ये करने के लिए, हम एंगलिंग का भी हम दारंग में जो एंगलिंग फेस्टिवल हमने कंडक्ट करा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का ही ऐसे आ जाते हैं और इंडिया का तो अपॉर्चुनिटी है उन लोग ओनली फॉर उन लोग को मछली पकड़ के जाते नथिंग पैसा देने के लिए रहती है,
व्हाट आई फील दैट बोमा साइड में जितना भी रिवर जो है ना उसको मस्ती होना थोड़ा सा एटलीस्ट एवानेस अच्छा से ये करके वो वाले पूरी जाने के लिए पूरा रेडी है इतना बहुत ऐसे कम्युनिकेशन भी अच्छा हो दिन को जाएगा नेक्स्ट हफ्ता ले चला ये मछली पकड़े तैयते फिर पैसा एक दो रहती है फिर हम लोग का जो है उसको अच्छा से हम लोग प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा ये मेजर प्रॉब्लम है और ये माउंटेनिंग का तो स्कोप नहीं है हाइकिंग का तो बड़ा स्कोप है और कल्चर जो इको टूरिज्म करना जो कल्चर इको टूरिज्म हमको अच्छे से एक बस्ती गंगा साइड में जो भी बस्ती साइड में थोड़ा एक जगह है जैसे हम लोग इंटरनेशनल जो फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं उन लोगों का कल्चर तो पूरा खत्म हो गया जैसे सिंगापुर वाला में डायरेक्ट खत्म देयर इज नो मनी तो उनका कुछ ऐसे है कि इसमें अपाता नहीं होगा ताहिन का होगा थोड़ा सा इलाका में छोटा छोटा बना के उसको आइडेंटिफाई करके एक इलाका में तो उसी में एक जगह बनाएगा जब बनाने का टूरिस्ट आएगा तो उसका ये आपातने का ये का इसका ताहिन का निशी का गलों का आदि का जो भी हो उसको दिखाने के लिए अच्छा से तो इस टाइप का होने से बीके में टूरिस्ट स्पॉट ये सब थोड़ा सा थोड़ा आदि भी करने से ठीक है ऐसे तो बोलने का वो वही है यही सर जो सर थैंक यू सबको एक्चुअली आप हमको ब्रह्म बस्ती जब जाएगा ना ऊपर दरिया इनको जैसे भी लेके जाओ आप बहुत अच्छा वहाँ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं आइसोलेटेड पूरा जंगल इतना सुंदर है ना और लोकेशन भी बहुत अच्छा है वहाँ में अब जो जितना बोला है ना सब कुछ उधर मिलेगा इवन जो रॉक क्लाइंबिंग है ना डोनी पोलो मिशन का स्कूल है ना उसका थोड़ा आगे जाके और रॉक क्लाइंबिंग का भी जगह है मैंने सारा चीज़ आप हम वहाँ कर सकता है सारा कल्चर और कोई भी इवेंट हो इवन हम लोग तो मेडिटेशन सेंटर के लिए भी हम लोग प्लान कर रहा है उधर पे इतना शांति जगह है तो जैसे भी आप साथ में जाइए अभी आइए उस दिन जब जाएगा तो हम लोग मीटिंग ही ख़त्म करते हैं और आप लोग जितना आइडिया दिया है ऐसे ही टॉप में है वहाँ पे कैसीनो है और स्टार होटल्स है लेकिन हम यहाँ में वो नहीं करके कैसीनो वैसिनो नहीं करके नेचुरल ना ऊपर में बस्ती जैसे उस नाम नेफा में गया था जो एक रिसोर्ट है केन से बहुत सुंदर से बनाया बनेगा ऐसे चढ़ने के लिए बना ये ऐसे कुछ लोकल चीज सब बनेगा आप लोग अभी साथ में आइए उस दिन हम लोग जब जाएगा ना तो आप लोग सब लोग चलिए देखिए और हम लोग इसको सारा चीज को उधर ही डाल देगा और यहाँ भी है बहुत कुछ है हम लोग और भी काम करेगा दीटियो मैडम इनका साथ कॉन्टेक्ट रखिए तो एक बार हम लोग घुमा देगा आपका उस समय अगर जिस दिन हम लोग जाएगा उस दिन भी अगर आपका कोई टूरिस्ट आने से उसको भी लेके चलता है क्योंकि हम लोग बेसिकली थोड़ा से पिकनिक करने जाएगा उधर हाँ तो साथ में लेके जाएगा तो उन लोग को अच्छा लगने से उन लोग को क्या पसंद है वो हम लोग उधर बनाए क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट का साइड से गवर्नमेंट का साइड से कुछ होगा लेकिन वहाँ का जो जमीन मालिक लोग है ना उन लोग ही हम लोग उन लोग को ही ये करने के लिए मोटिवेट करने के लिए सारा चीज़ उन लोग ही कर लेगा तो उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पैसा भी मिलेगा तो हम लोग का भी काम हो जाएगा तो आप लोग सभी को यहाँ आने के लिए थैंक यू ना तो आप टच में रखिए और भी आप ये करिए